Hey there guys, welcome back to the new video of Pokemon Violet and ये most probably episode 11 होने वाला है। वैसे मैं तुम लोग के लिए gift लाया हूँ, you know what? मेरे पास कुछ special चीज़ है तुम्हारे लिए, वो है भाई Darth Vader। जी हाँ भाई, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने Primeape को evolve करेंगे Annihilate के अंदर and आप लोग अपना कौन सा जिम, फोर्थ जिम कम्प्लीट करने वाले हैं वाटर टाइप का। सबसे पहले मैं यार अपने Primeape को हील कर लेना चाहता हूँ, जस्ट इन केस कहीं अब मर मुर जाए। आई वुड लाइक टू हील माई पोकेमॉन एंड हम लोग भाई जल्दी से इसको इवॉल्व करते हैं। पहले तो मैंने शायद से 7-8 बार इसका मूव यूज़ कर दिया है। इसको इवॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका, अगर तुम्हें नहीं पता तो इसका सीन कुछ ऐसे होता है कि इसको 20 बार अपना रेज फिस्ट मूव मारना होता है, तो उसके बाद जाके ये पोकेमॉन अपने फाइनल फॉर्म में आता है Annihilate। तो हम लोग ट्राई करेंगे भाई इसको इवॉल्व करने का, उससे पहले हम लोग को भाई थोड़ा वाइल्ड पोकेमॉन से मिल के आना पड़ेगा मजबूरन। Here we go. Wild Pokemons, where are you, buddy? ये रहे। सैंडाकोंडा। सैंडाकोंडा को हराने है क्या? चलो लेट्स गो भाई, एक बैटल हो जाएगा। इसको तो हम लोग ऐसे निपटा देंगे। रेज फिस्ट, हम लोग बस की मूव्स यूज करते रहना है एंड हम लोग जीत जाएंगे। पता तुम्हें रेज फिस्ट की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात क्या है? पहली बात तो ये नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। गलती हो गई एक, यहाँ से निकलना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है इसको मार के। We have to go. क्योंकि रेज फिस्ट की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात जो मुझे लग रही है, जब मैं किसी पोकेमॉन को मारता हूँ ना, तो उसका एवरी टाइम उसका डैमेज इंक्रीज होके आता है। चलो सैंडाकोंडा आ जा ब्रो, बैटल करते हैं। अच्छा हाँ, सिली कोबरा है, इसको इवॉल्व करके सैंडाकोंडा बनता है। We have to use this moves 20 times अगर हम लोग को इसको इवॉल्व करना है, जो कि उतना टफ नहीं होगा। हमें पता है मतलब अगर मैंने पहली बार मूव यूज़ किया तो कंपेरेटिवली कम डैमेज, लेकिन दूसरी बार किया तो भाई डबल से ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है, पता नहीं कैसे। कुछ तो बात है भाई इस मूव का, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। शायद से ये पोकेमॉन के गुस्से को टारगेट करता है और एवरी टाइम डैमेज देखो कितना इंक्रीज हो रहा है ना। नाइस, जल्दी वॉल हो जाएगा ये भी। चला जब ब्रो बैटल एक और बार, दो दो तो सब पे निकल रहा है। रेज फिस्ट लेट्स गो, पटाक से पड़ा ना। अब देखना नेक्स्ट टाइम जब मैं मारूंगा ना, तो अभी देखना आधे से थोड़ा रह गया है ना, अगली बार पूरा हेल्थ चला जाएगा इसका। अरे भाई शायद से ना जाए, अब शायद से अब ना जाए क्योंकि इसने अपना बढ़ा लिया है भाई। हाँ रेज फिस्ट लेट्स सी भाई, जाना तो चाहिए वैसे, देखना पूरा हेल्थ जाएगा। अरे यार मैंने कहा ना उसने बढ़ा लिया था, से थोड़ी सी दिक्कत हो। ये शायद से यहाँ का बैटल स्टेडियम है, जिम के पार जो है हम लोग यहीं पे बैटल करेंगे आई गेस, अगर मैं सही हूं तो। चलो भाई फिर लड़ने चलते हैं जिम ट्रेनर से, किसके लिए रुकना है। आई गेस जिम ऊपर की ओर है, लिफ्ट कहां से है? ओके वो लिफ्ट है आई गेस, हाँ मैं सही हूं। Here we go. काफी प्यारा मैकेनिज्म है यार ये, कुछ कुछ मैंने स्वॉर्ड एंड शील्ड की वाइब दे रहा है। उसमें भी एक ऐसी करके गियर सिस्टम है जो कि तुम्हें ऊपर नीचे ट्रैवल कराता है, याद है तुमको? मुझे याद आ रहा है, मैंने जब देखा था ना भाई भाई लोग का डगा था, मुझे याद है ऐसी था उसमें। मैंने स्वॉर्ड एंड शील्ड कभी खुद नहीं खेला है, हाँ मुझे कभी इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। बट सीरियसली यार स्वॉर्ड एंड शील्ड आई गेस अभी तक का बेस्ट ग्राफिक्स लेके आया। हमें क्या मिला? मसल बैंड। अरे भाई पोकेमॉन यूनाइट का आइटम है। और ऊपर जाना है क्या? आई गेस हमें थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। वैसे पता है क्या, वाटर टाइप है, मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन नहीं है। ये पीछे भी ग्रासलैंड्स है क्या? सीरियसली देख के आते हैं यार कोई अच्छा पोकेमॉन मिल जाए। वेट अ सेकेंड, वॉल्ट इन वेलूजा, आई एम लेट। भाई ये तो वही पकौड़ा जिम लीडर है। कहाँ भाग गया कोफू? वेट, इसका नाम कोफू है? ही गॉट अवे, हाउ एम आई सपोज टू रिटर्न दिस टू हिम नाउ? ओके इसको कुछ तो वापस करने जाने पड़ेगा, शायद से हमें भेजेगी ये। ओ हे यू आर हैज अ जिम चैलेंजर राइट? यप आई न्यू इट, ऑफ कोर्स यू आर, दैट बिग मैन दैट जस्ट लेफ्ट इज कोफू द लीडर ऑफ द कैस्कार्फा जिम। ओके ही हैज अ बिट ऑफ चाइल्ड लाइक साइड ऑफ हिम एंड टुडे ही इज रन ऑफ टू द मार्केट विदाउट हिज वॉलेट। भाई क्या इनके पापा की सड़क है, कहीं भी निकल लेते हो भाई बिना पैसों के? हाँ कुत्ता भी नहीं पूछता भाई बिना पैसों के, तो बिस्किट देनी पड़ती है ब्रो। कोफू का वॉलेट भाई, इसमें पैसा वैसा होगा, चलो हम ही यूज़ कर लेते हैं।
Kofu's headed to Puerto Marienda. It's on the other side of the desert to the west. Be careful though, there are many dangerous Pokemon in the desert. तो फिर हमें क्यों भेज रही हो मैम? हमने क्या बिगाड़ा आपका? मुझे इधर देखना था, कुछ है क्या? मतलब कितना प्यारा है यहाँ पे जगह। ए ये रहा ना आइटम भाई, देखा मिस कर देता मैं। चलो हमें मिला है मिस्टी टेरेन, नाइस। एक फेरी टाइप मूव मिल चुका है हम लोग को। ए वो क्या चमक रहा है? ये तो वाटरफॉल है, इधर हम लोग जा नहीं सकते भाई। ये कुछ खतरनाक चीज है भाई, ये क्या है यार? कोई आर्टिफैक्ट है क्या? There's an ominous black stake driven into the ground. Will you put out the stake? निकालते हैं। When you pulled out the stake, it crumbled and vanished. हैं? गायब हो गया ब्रो वो तो। कुछ तो था खैर वो। ए उधर चला गया है तो। नहीं ये तो पोकेबॉल है यार। मुझे लगा कि वो आइटम है। पता नहीं कुछ तो होगा शायद से, हम लोग को स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। अगर तो मैं से किसी को पता है तो खबरदार कुछ बता, मैं मुंह तोड़ दूंगा। स्पॉइलर नहीं चाहिए मेरे को। अभी हम लोग को कहाँ जाना है चलो देखते हैं। कहाँ भग गया पकौड़ा? बड़ा अजीब आदमी है, उधर चला गया। हद है, यही काम बचा है मेरे को, मैं इधर उधर ट्रैवल मारता। पानी होते हुए हम लोग जा सकते हैं, ठीक है फिर पानी के रूट से ही जाएंगे अपन लोग। फालतू को तो झमेला ही नहीं करना। लेट्स गो भाई, क्या जंप मारता। कोई यहाँ पे पोकेमोन भी नहीं है डिस्टर्ब करने को, इससे अच्छा और क्या हो भाई। कैसे ग्लिच हो रहे हैं यार इस गेम में, क्या फालतू गेम बना रखा है इन लोगों ने, कुछ भी होता रहता है। हाउ एम आई सपोज टू क्लाइम दैट यार, मतलब क्या है ये गेम। ये रहा, इधर से जाना है क्या? अरे भाई कैसे, इधर से नहीं जा सकते शायद हम लोग, इधर से जाना पड़ेगा हमें। बनाया क्यों फिर ये फीचर पागल लोग यार, उतना लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा। कोई तरीका नहीं यार, इधर क्यों चला गया, हद है भाई बेवकूफ। यही काम बचा है मेरे को, मैं इधर उधर भटकता रहा हूँ सुअरों की तरह। चलो इधर चलते हैं फिर, यही एक रास्ता है। और कुछ तरीका मुझे दिख तो रहा नहीं है इसके अलावा, तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा आई सपोज। आइटम तो मैं छोड़ने सर भाई, पोशन भी नहीं छोड़ता मैं, तो एकदम भिखारी हूँ मैं इस मामले में। बुलेट सीड, ये क्या है भाई? ये चाहिए मुझे। ये कैसा पोकेमोन है? एस्पार्थरा। अच्छा ट्राई करें क्या? चलो फिर, मरना नहीं चाहिए बस, ठीक है। इट्स सुपर इफेक्टिव अप्रोर। ओ ओ डैमेज द वाइल्ड एस्पार्थर इज बर्फ बाय द सैंडस्टॉर्म। ये तो मुझे चाहिए भाई अपनी टीम में। क्या है ये पोकेमोन? डार्थ वेडर भाई तू अभी जा भाई बेस पे जा। हाँ चूज नेक्स्ट पोकेमोन। इस पे मेरा कौन सा मूव था? घोस्ट टाइप सुपर इफेक्टिव था ना, ठीक है। तो मतलब ये मेरा बाबिया सही रहेगा इसके लिए फिर। मुझे इसकी टाइपिंग भी नहीं पता है, बट हाँ मुझे ये पता है कि घोस्ट टाइप इसमें सुपर इफेक्टिव था, तो शायद से मेरा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक भाई क्विक बॉल ट्राई करते हैं। आ जाए एस्पार्था, कुछ नहीं रखा ब्रो इस जालिम दुनिया में, मेरी बात मान, सब धोखा है। हटूंगा मैं, इट इज ले भाई। नॉर्मल टाइप मूव मारा इसने भी जस्ट, क्योंकि मेरा घोस्ट टाइप पोकेमोन है इसलिए डैमेज नहीं पड़ा मेरे को भाई। एक तो सैंडस्टॉर्म से बफ खा रहा है इसलिए मुझे और रोना आ रहा है कि मर मुर ना जाए। बाइट अटैक दूं क्या? मरेगा तो नहीं? साई बीम, ओ ओ ओ ओ थोड़ा सा डैमेज पड़ सकता है हमें, मरना मत। ओ नाइस, सुपर इफेक्टिव। बाइट भी सुपर इफेक्टिव है। आई गेस ये साइकिल टाइप पोकेमोन है, यानी कि अगर हम लोग इसको पकड़ ले तो हम लोग अपने डैस्टबन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं चाहे तो। सो मैं ग्रेट बॉल के साथ जाता हूँ, अब बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। तो क्विक बॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम जा चुका है। आजा आजा, अरे यार ऑलमोस्ट आ गया था। अगली बार तो ये बफ खा के मर जाएगा यार। आजा ना, मर जाएगा भाई तू स्पार्था, कम ऑन। देख अब नहीं आया तो अब तू मरेगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है भाई, मेरी बात मान, तू अब मर चुका है इसलिए चुपचाप से मेरे पास आ जा, चुपचाप से आ जा, बात मान, आ जा भाई, जा पकौड़े तू मर जा भाई, जा हद है, मर मुझे क्या, बोला था आ जाती। चलो शैडो बॉल सीख रहा है, इसको सिखा देते हम लोग। किसकी जगह सिखाएं? ऑब्वियसली भाई हैक्स से तो अच्छा मूव है शैडो बॉल, हैक्स की जगह ही सिखा देता हूँ मैं।
एंड हियर वी गो। ये पोकेमॉन मुझे अपनी टीम में बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले हम लोग अपने प्यारे डार्थ वेडर को हील करेंगे, कभी काम आ जाए। सरतरा रिवाइव तो खाली पड़े रहते हैं मेरे बैग में। रो तो ही सानिते, अपेरेंटली दिस डेजर्ट इज अ होम टू द क्वेकिंग अर्थ टाइटन। स्पीकिंग ऑफ विच, द ग्राउंड्स बीन शेकिंग ऑफ एंड ऑन एन अर्थ मेकिंग मी फील बिट सिक। भाई हम लोगों को अभी टाइटन बैटल नहीं करना यार, तो अपना चुपचाप से जिम जाना है। प्लीज मेरे को जाने दो ना, इधर से हम लोग कट लेंगे, ठीक है भाई। हम लोग अभी टाइटन से पंगे, वो क्या है, छोड़ो भाई, फालतू पोकेमॉन है। रेन डांस, ये अच्छा मूव मिला। नाउ वी कैन गो टू अवर नेक्स्ट जिम। वो रहा भाई अर्थ टाइटन, इसको तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में चटकाऊंगा, इसकी मुंह तोड़ दूंगा। डरो मत यार तुम लोग, मैं हूं ना। रोते क्यों तुम लोग, डरने का नहीं ब्रो, अभी पोके स्क्वाड है तुम्हारे साथ ना, सबसे प्रो हूं मैं, सब बोलने में क्या ही जाता है। जिराफरीक, अरे जिराफरीक का भी तो नया एवोल्यूशन आया है, पकड़ना पड़ेगा। तू इधर आना पकौड़े, चल 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 जिराफरीक आ जा, प्यार से रखूंगा तुझे एकदम। भाई इसका भी इवोल्यूशन हम लोग ट्राई करेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग देंगे क्विक बॉल ट्राई, कम ऑन आ जा। क्या करेगा ब्रो, सब मोमाया है, मेरी बात मान, मेरे पास नहीं आएगा यार, कितना बुरा है तू, मर जाएगा ब्रो, मत कर, मेरा दिमाग खराब मत करो। नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है वैसे तो, मर नहीं यार, नहीं ये मूव नहीं मारना था, सही है नॉर्मल टाइप है तो बच गया। मैं मरा, क्रॉस चॉप मारी क्या, थोड़ा तो डैमेज होना चाहिए यार, अवॉइड कर रहा है अटैक, तुम्हारे चाचा की जमीन हो रखी है, कहीं भी तुम मेरा मूव अवॉइड कर रहे हो। हाँ ऐसे थोड़ी होता है भाई, मेरा तो बार बार टैर्थ वाले मर रहा है भाई, जब तक इवॉल्व नहीं हो रहा है। मारना नहीं था उसको, इतना भी गुस्सा क्यों हो जाते। मैंने कुछ देखा, शायद से वो साइकिलाइजर है ना, हाँ वो साइकिलाइजर आइटम। हम लोग आ चुके भाई अपने नेक्स्ट जिम के अंदर। कोई तो आ गया हमसे मिलने, ये तो वही है भाई, वही बेवकूफ आदमी है, भाग गया था हलवा। वोल्टिन वेलूजा, वेयर वेयर इन द वर्ल्ड, पैसा छोड़ के भाग जाते हो भाई आप दुकान में। हाँ यू लिल फ्लावर्स आर गेटिंग बेटर्ड बाय द सी ब्रीजिंग समथिंग फियर्स बट यू डोंट केयर, कहना क्या चाहते हो। व्हाट स्ट्रॉन्ग प्रीटी इल फ्लावर्स, वेयर वेयर इन द वर्ल्ड, भाई ये पौधों से क्यों बात कर रहा है, साइको है क्या ब्रो तू। नो शूट, आई नीड टू गेट डाउन टू द मार्केट, मार्केट जा भाई हलवे, पॉकेट तो लेता जा, फ्री में कैसे शॉपिंग करेगा भाई मुझे भी बता। काफी सारे जिराफ, तो ये तो हमें पता चल चुका है कि जिराफरी किधर की तरफ है, तो हम लोग कभी फ्यूचर में चाहें तो कर सकते हैं बैटल, क्योंकि जिराफरी का इवोल्यूशन भी मुझे तो चाहिए भाई। पता है अगर मैंने अब जो टाइटन पोकेमॉन उसको हरा दिया तो शायद से हम लोग उड़ पाएंगे या फिर ग्लाइड कर पाएंगे, पता नहीं भाई, देखने वाली बात यही है। कम बैक एंड सी यू सम टाइम अगेन, हियर वी गो, हास्ता ला विस्ता, क्या भाई परफेक्ट लैंडिंग, ठीक है ड्रीम पैलेस वैलेस में आ चुका हूँ क्या मैं, इतना सही कैसे हो सकती है कोई जगह। चलो बात करते हैं, वोल्टिन वेलूजा वेयर इन द वर्ल्ड, मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, विन द वर्ल्ड इज माई वॉलेट, वही तो देने आया था ना, लाइक विदाउट माई वॉलेट आई वॉन्ट बी एबल टू गेट टूडेज हॉट आइटम, इट विल गेट बॉट बाई समवन एल्स, तो भाई अपना पैसा लेके आना होता है। डोंट वरी ओल्ड मैन कोफूल, आई विल रन एंड लुक फॉर इट राइट नाउ, पॉकेट ले ले भैया, कहाँ जा रहे हो तुम। वो दिवंत ऑल मैन कोफू इज द मिडल ऑफ सम सुपर डुपर इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट पाइंग, I'll thinking about trying to interrupt him. Then I'll be his best apprentice. We'll have to stop you. So yeah, do you sometimes super important to say to us, busy fools or what? This is super important, bhai. Apna paisa to lo. Super important, huh? We'll see about that. Maybe a battle will shut your mouth. Aaja na laik. Koi bhi apne papa ji se ladne wale hai. Hello, father aaye hain aapke. Chalo, bhai, rage fist. एक्वा जेट नहीं मारना होता है, हेवी गो भाई रेज फिस्ट, कम ऑन प्राइम, मुंह तोड़ दे, चल चल मेरी जान, सी चिंदे, दिस इज सो चिंदी ब्रो, अपडेट योर पोकेमॉन लेवल, ऐसा थोड़ी चलता है, मेरा पोकेमॉन अपने आप लेवल अप हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो कभी बैठ के ऑफलाइन ट्रेनिंग भी नहीं करता हूँ, शायद एक दो बार की थी स्टार्टिंग के वक्त, उसके बाद कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। क्लॉन्चर निकाल रहा है, हम लोग यही रहने देते हैं, कीप करेंट पोकेमॉन,
ज्यादा अप्रेंटिस बनेगा भाई उसके। अप्रेंटिस मतलब वो होता है कि जैसे तुम अपने टीचर के एक तरह से अप्रेंटिस हो, उससे कुछ सीख रहे हो, तो ऐसा तुम लोग कह सकते हो, मतलब तुम अभी सीख रहे हो अपने टीचर से ऐसा। तो ये बेसिकली उसका अप्रेंटिस बनना चाहता है। चलो भाई सुपर पोशन यूज करते हैं, लेट्स गो एक्वा जेट। अरे भाई मुझे लग रहा है वाटर टाइप पोकेमोन के लिए तो मेरा यही काफी है, बस एक बार इवॉल्व हो जाए क्योंकि इसका जो रिक्वायरमेंट होता है ना 20 टाइम यूज करने का, वो फुलफिल हो चुका है। अब जैसे ही इवॉल्व होगा वैसे ही, मतलब लेवल अप होते ही अब बंदा इवॉल्व हो जाएगा, इसका 20 टाइम मूव यूज हो चुका है। लेट्स गो जिम 3 नहीं हुगो, अब जाके हगो, तुमसे नहीं होने वाला। शख्स आई लेट ऑफ मैन कोफू डाउन, तेरी गलती नहीं है ब्रो, जैसे तुम लड़ रहे हो तुम्हारे फादर हैं। Tangent, that backfired and now my wallet's empty too. 4,000 rupees निकाल लिए ना तेरे से, बोला था मैंने, मतलब बच्चा कहीं का। Old man Kofu seems that this kid got something to say to you. चुपचाप से पहले ले लेता ना भाई तू, उसका पैसा भी बच जाता तेरा अप्रेंटिस का। I have your wallet, नलायक। You return Kofu's wallet to him. Thank you, कौन तुम्हारा फूफा बोलेगा? Vault in Valusa, my wallet. See what now, my lobby staff has sent you out here to bring it to me. God, that's a huge help. Thanks for coming all this way. मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ यार, आज क्या हो गया? There's something here at the Porto Merienda auction that we really wanna get on hands on. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे auction चल रहा है, ठीक है, क्या खरीदा जा रहा है ब्रो, इंसानों को? नहीं, डार्क जोक नहीं। Feast your eyes on this main event. I have the legendary workman seat of the whole region. Wakame seaweed. Walton will lose. भाई इसकी इसकी चीज़ के जो ऐसे बोल रहा है ना, इसलिए मैं भी ऐसे बोलने लग जा रहा हूँ। आई डोंट इवन हैव टू टच इट, आई कैन सी इट्स गॉट द स्प्रिंगी टेक्सचर ऑफ सी वीड क्लॉक फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आई जस्ट लुक एट इट, लुक हाउ इट कैचेस द लाइट एंड शाइन सो ब्रिलियंटली। ओ एंड दैट्स रिच फ्रेश अरोमा ऑफ समथिंग प्लक स्ट्रेट आउट द ओशियन। आई नीड टू गेट माई सम ऑन दैट। नाउ लिसन किड, इफ यू वांट टू चैलेंज मी एट द कैस्काफ्रा जिम, यू गॉना नीड सम स्मार्ट। And this is the perfect place to test ya. Get a winning bid on that seaweed for this old man. ठीक है भाई, पैसा देना, पैसा बहुत अपने पास, थोड़ा लीक पॉइंट भी लगा देंगे। ओके 50,000 मिल चुका है ब्रो, सीरियसली पूरा 77,000 लगा दूंगा मैं बिड में। लेकिन भाई ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, धीरे धीरे करेंगे। पता है नूब कौन होता है बिड्स में, जो एक बार में बहुत लगाते हैं। तुम्हें पहले अपोनेंट को जांचना होता है। मैंने ऐसा नहीं, मैंने जुआ खेला है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सामने वाला कितना दे सकता है। मान लो तुमने 70,000 दे दिया, लेकिन क्या पता सामने वाला सिर्फ 10,000 ही दे सकता है, तो तुम अगर 11,000 भी देते तो उस पर खरीद लेते ना सामान, तुमने फालतू का एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। इसलिए ब्रो पहले हम बिड देंगे 10,000 का। डू आई हियर मोर, वी आर करेंटली एट 10,000, 15,000, देखा 25,000। भाई धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, एक बार में नहीं बढ़ाएंगे। आई हैव बिड फॉर 30,000, डू आई हियर मोर, वी आर करेंटली एट 30,000, देखा अगर मैं भी 35 दे देता तो फिर समझ रहे हो तुम लोग। 40,000, मैं 45 दूंगा बोल। आहा, देखा अगर मैं भी 50 दे देता तो मेरा 5,000 का नुकसान होता कि नहीं होता, यही मैं बोल रहा था। चुवारी नहीं हो ब्रो, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। दैट वॉज अमेजिंग, यू पुट दोस ग्रोन अप बिडर्स टू शेम विद योर बिडिंग स्किल्स। ठीक है भाई। ठीक है भाई, हम लोग को अब कहाँ जाना है, कैस्कवे जिम में इसके साथ बैटल करना है। नहीं गाइस मैं जुआरी नहीं हूँ, गलत मत समझना। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जिम टेस्ट, अच्छा जिम टेस्ट था लॉन, मुझे पता ही नहीं था। चलो भाई जिम जाना है तो सीधा ऐसे ही निकल लेते हैं टेलीपोर्ट मार के, उतना भी क्यों स्ट्रगल करना है फिर। हाँ तुम्हें नहीं पता था क्या हम लोग ऐसे फ्लाई कर सकते हैं? सीरियसली तुम्हें नहीं पता था? भाई कोई नहीं भाई, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो हम लोग फ्लाई कर सकते हैं, जिस जिम में हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं ना, या फिर जिस लोकेशन पे, तो वहाँ के पोकेमॉन सेंटर तक हम लोग फ्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर दैट हमें कोई एक्स्ट्रा पोकेमॉन की जरूरत। एक कुछ आइटम था क्या? नहीं, आई थॉट सम आइटम था बट वो एक्चुअली में लाइट था। लाइट ये गामी वाला नहीं। Here we go. सबसे बड़ा चुवारी कौन? पोके स्क्वाड। ऐसा नहीं है, ठीक है, शरीफ बच्चा हूँ मैं। और ऊपर जाना हम लोग को आई गेस। आई क्या जंप लगाता है यार, मेरा एडॉन तो स्मैक्स ही है यार। वो चलो आ वी रेडी मम्मी, चलो भाई जिम चले, लेट्स गो मारियो।
सो आई एम गोना यूज माई क्लॉट सायर फॉर दैट, क्योंकि इसके पास एक एबिलिटी है वाटर एब्जॉर्ब करके, जिसके कारण मुझे एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उसके वाटर टाइप मूव्स मेरे पे लगेंगे नहीं। बस ना, और क्या चीज़, अपन खेल जाएंगे भाई उनके साथ, तुम टेंशन क्यों के लेते हो। सबसे बड़ा पीरो प्लेयर कौन? पोके स्क्वाड। वेल नाउ सानिध्य, ये कौन है? यू अपीयर टू बी प्रोग्रेसिंग वेल ऑन योर जिम सर्किट। व्हाट्स दिस नाउ? इज दिस दैट किड आई हैव बीन हियरिंग सो मच अबाउट? ये शायद से एलीट फोर है ना, ये भी एलीट फोर आई गेस। हे किडो, आई हर्ड यू लाइक वे टू गुड एट बैटलिंग। या नॉट दैट गुड, बट ठीक है भाई, थोड़ी तारीफ कर लेते हैं। हाँ, यू गॉट सम स्पिरिट, बिग शॉट। दिस यंग लेडी वुड बी रीका। दैट्स मी, रीका हेयर एट योर सर्विस। एंड ही, आई नो आई एम प्रिटी, बट नो नीड टू गेट इमिटेटेड और एनीथिंग। शी इज़ लिटिल, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ मैंने देखी है, तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। बट लाइक माई सेल्फ, शी इज़ अ मेम्बर ऑफ एलीट फोर। ओके, तो ये भी एलीट फोर है। वॉट, आई वॉज ट्राइंग टू बी अ फनी। एनी वे, हाँ, टेल यू समथिंग किडो, यू लुक फन, लाइक इंटरेस्टिंग एट अ ग्लैंस। एनी वे, नेचुरली ही इज़ वन ऑफ आर अकेडमीज स्टीम स्टूडेंट। ओ हा हा, यह दैट्स चेकआउट। तो ठीक है भाई, ये भी यहाँ के जिम लीडर है, मतलब सॉरी यार, एलीट फोर है, जिम लीडर दो नहीं हो सकते। Indeed, your average trainer abandons the challenge at roughly this very point. But not at you, right, kiddo? So, you, when you hit the champion assessment, you show these teams at you have got. ठीक है, best fortune to you. मतलब यार, जब हम लोग करेंगे ये सब ना, जिम बैच कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग इनसे बैटल कर पाएंगे। चलो भाई, बैटल करने चलते हैं, फिर रुकना किसके लिए। ओके, तो क्या हम लोग रेडी हैं? एब्सोल्युटली रेडी हैं। साल दे, आई हर्ड यू रीयूनाइटेड कोफू विद हिज वॉलेट। भाई मैंने दो जुदाए प्रेमियों को भाई मिला दिया वापस, उसके वॉलेट और उसको। या सो आर यू रेडी टू चैलेंज जिम लीडर कोफू द सर्जिंग शेफ? बिल्कुल भाई, उसका खाना छोड़ा, हम उसको पका देंगे, खाना तल दूंगा मैं उसको, फ्राई कर। पर से भाई, उसके ऊपर गार्निशिंग अलग से करूंगा मैं, फ्लेम। लंबा लंबा फेंक तो दिया गया, मर गया ना मैं, बेइज्जती हो जानी है। भाई तू कौन है? मैं नहीं जानता, मुझे जिम ट्रेनर से लड़ना है। अरे बेइज्जती क्या कर रहे हो बे? होल्ड मैन कोफू, प्ले विद अस, कम ऑन। आई वुड बी ऑनर्ड इफ यू ट्राई अ न्यू आइटम फ्रॉम माय रेस्टोरेंट मेन्यू एज़ वेल। ये बेसिकली यहाँ का शेफ है क्या? बट अभी ये भाई जिम लीडर का काम करने जा रहा है, तो इसको डिस्टर्ब मत करो। शायद से ये काफी लोगों का फेवरेट है, एंड लोग यार एनहाइलिप भी इवॉल्व कर लेंगे, तुम्हें पता है फन फैक्ट क्या है इसके बैटल के बाद, तो इसलिए मैं और एक्साइटेड हो रहा हूँ। स्टेप राइट अप, आई बीन वेटिंग फॉर यू। Thanks for the help over in Porto Marienda. You did a mighty fine job. And now I've got that legendary seaweed. Make some really quality dishes with it. खा खा के और मोटे हो जाते साड़े। जिम बैटल करो, कम से कम तुम फिट हो जाओगे। And here we go, mamma mia. चलो, अहा, लौंडा स्मार्ट लग रहा है। अरे यार, ये तो वाटर टाइप पोकेमोन है। हाँ, वो तो एब्सॉर्ब एबिलिटी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे बे। थे इतना ज्यादा तगड़ा पोकेमोन है ना क्लॉट सार, मैं बता रहा हूँ भाई, ले लेता है अकेले ही अपोनेंट्स की। ना तुम इस पे इलेक्ट्रिक टाइप मूव चला सकते हो, ना इस पे तुम वाटर टाइप चला सकते हो, बट बेटा मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। नहीं चलेगा। व्हाट, अबे वाटर एब्जॉर्बेबिलिटी भाई, वाटर एब्जॉर्बेबिलिटी थी ना क्लॉट सार। क्या हुआ भाई, मुझे धोखा क्यों मिल रहा है? वाटर टाइप डार्थ वेडर यूज करते हैं अपन लोग। यार गला खराब हो रहा है मेरा, मुझे लगा था यार वाटर एब्जॉर्बेबिलिटी थी ना। अच्छा, मतलब अगर कोई वाटर टाइप मूव करेगा तो वैसे काम करेगा, लाइक हाइड्रो पंप वगैरह, बट एक्वा कटर वगैरह के लिए नहीं। रेज फेस्ट, लेट्स हराऊंगा तो इस जिम को मैं अपने प्राइमेप से ही। लेट्स गो, खत्म, चल हट पकौड़े। एंड यू नो व्हाट, इट्स गोइंग टू इवॉल्व। सागर वॉन्ट्स टू लर्न रेन डांस, भाई बारिश में नाचेगी अपनी सागर। एक काम करो, सागर कमेंट बॉक्स में जाके एक चीज लिखना, अगर तुम लिख सकते हो तो। सागर, हम लोग को तेरा बारिश वाला डांस देखना है, ऐसा कुछ करके लिख दो, मतलब उसको ट्रोल करते हैं। चलो ठीक है, 80 का मूव है इसका, 65 है, हटाओ यार फिर, ऑब्वियसली ब्राइन हटाओ, फिर क्या करेंगे। ट्रेन डांस सिखाओ भाई उसको, वुक ट्रियो। मैं अपना बाबिया यूज करना चाहूंगा फॉर सच सिचुएशंस, जब मुझे अपोनेंट की टाइपिंग नहीं पता होती तब मैं अपना बाबिया पटक देता हूँ आगे।
मतलब अगर वो वाटर टाइप हुआ ना तो मेरे साथ इतनी बुरी बुरी चीजें हो सकती है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओ डक्ट्रियो का फाइनल फॉर्म है, के पास तीन पोके, रोर मारते हैं। चलो मरना मत प्लीज मत मरना। ओके नाइस यार, रोर करेंगे अपना नेक्स्ट पोकेमोन निकाल। चल जल्दी, मुझे तेरा नेक्स्ट पोकेमोन देखना है। आइस टाइप है ना, अब भी इसको टेरेसलाइज नहीं कर रहा है। अगर इसको टेरेसलाइज नहीं करेगा ना तो हम लोग मार देंगे इसको। टेरेसलाइज मत करना, क्योंकि गाइस पता है मैं इसको अभी क्यों ख़त्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो सकता है। क्योंकि एक तो इसका लेवल 30 है और बाई चांस टेरेसलाइज हो गया ना मैं मर जाऊँगा, इसीलिए इसको अभी निकाल दो। मैं एक वक्त के लिए उसको हरा सकता हूँ भले डकलियो को। नहीं यार इसको कर लेगा वो टेरेसलाइज, वाटर टाइप हो जाएगा ये, दिक्कत हो गई। ये वाला जिम गया हाथ से, रीबैटल करना पड़ेगा। मुझे लगता था लास्ट पोकेमोन को करता है यार टेरेसलाइज, इसको ही करना था तो फिर मैं स्विच नहीं करता। बट ठीक है मेरे पास काफ़ी रिवाइव है, हम लोग दिखाने लगा देंगे इसको। टॉट सॉन्ग लेट्स गो। आई नो वो वाटर टाइप है बट बाबिया तू भी कम नहीं है किसी से। शो देम, यस यस ब्रो, स्पेशल अटैक रोज, हाहा, वन ऑफ मैन स्कूफू स्पेशल कमिंग राइट अप, हैंग ऑन टाइटन, वी गॉट अ स्वैप बाय द सर्चिंग शेफ। क्रैप है, वाटर टाइप मूवर है यार, डैमेज पड़ेगा पड़ेगा ना, गया का लेवल यार बहुत है। बट मैं अपने डार्थ वेडर को मरवाना नहीं चाह रहा, पता है डेस्टबैन को। सबसे ज्यादा डैमेज किसका है, 90 प्ले रफ, लेट्स गो विद प्ले रफ देन। अरे भाई डेस्टबैन तो चुम्मी ले ले यार, बच जा प्लीज, बच जा यार प्लीज, बच जा प्लीज, बच जा डेस्टबैन प्लीज यार, मरना नहीं। नाइस यार, इतना अच्छा क्यों है तू। चलो हम लोगों ने निकाल दिया भाई उसको, भाई डर गया था मैं लिटरली, भाई खौफ देख लिया था मैंने अपनी आंखों में ना भाई, मैंने डर गया, लेजिट डर गया मैं। हम लोग स्विच करेंगे अपने पोकेमोन को, हम लोग भाई अपने डार्क वेडार को निकालेंगे और रेज फिस्ट से उसका काम तमाम करेंगे। लेट्स गो भाई, डार्थ वेडर क्या तू रेडी है, द टाइड सर्व एंड फ्लो, इट्स टाइम फॉर अ रेजिंग टाइडल सर्ज। तू हार गया भाई, तेरा टेस्टलाइजेशन गया। इसकी टाइपिंग क्या है वॉकट्रियो की, एक बार चेक करूँ क्या मैं। आई गेस ये रॉक टाइपिंग होगा, पता है क्यों, क्योंकि नहीं थोड़ा वैसा दिख रहा है। तुम देख रहे हो उसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो काफ़ी हद तक रॉक जैसा ही दिख रहा है, होना तो चाहिए यार रॉक टाइप, वरना भाई पूरी धोखा है आँखों का। लेकिन इतना अच्छा है सब चीज़ें हो नहीं सकती। रेज फिस्ट मारते हैं, कम ऑन प्राइमेप, शो देम ऑल। ओ ओ भाई तू क्या डोप है क्या प्राइमेप, तो भाई तूने डैम भाई भी तो ये इवॉल्व नहीं हुआ है ये पोकेमोन, कुत्ता है भाई लेजिट कुत्ता है। स्लज वेव सीख रहा है ये, जरूर सिखाएंगे हम लोग भाई तुझे क्लॉट साइड, तूने भी काफी अच्छा काम किया है, दो तू नलायक है बट स्टिल तेरा भाई टेल ब्रेज एकदम गूम मूव था सच बोलूं तो। हरा दिया भाई हरा दिया, एंड कौन इवॉल्व होने वाला है गाइस, ये होने वाला है एनहाइलेप, मोस्ट अवेटेड इवोल्यूशन है भाई, मोस्ट अवेटेड इवोल्यूशन भाई साहब, कितना डोप लग रहा है ये, फाइटिंग एंड घोस्ट टाइप नाइस। शैडोपन सीख रहा हम लोग, डेफिनेटली इसको सिखाएंगे। द यूजर कन्वर्ट्स रेज इनटू द मोर टाइम्स द यूजर है, देखा द ग्रेटर द मूव्स पावर, इसको हम बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं। थ्रैश को मैं नहीं हटा सकता हूँ, एश्योरेंस को मैं हटा सकता हूँ, क्रॉस चॉप मैं हटाने नहीं चाहता हूँ, पता है क्यों, क्योंकि ना मेरे पास एक फाइटिंग टाइप मूव तो रहना चाहिए। डार्क के लिए चलो मेरे पास काफ़ी हूँ कि बस क्रंच है तो वो दिक्कत नहीं देगा। एंड फाइनली भाई मज़ा आ गया, एकदम सेटिस्फाइंग तुम कह सकते हो आज का एपिसोड रहा है मेरे लिए तो। आई एम जस्ट लाइक अ हेल्पलेस लिटिल मैजिक अप, सो या फ्लॉपिंग अराउंड ऑल विली नीली, यू गॉट मी गुड, आई टेल यू व्हाट अ ग्रेट कैच यू आर, जस्ट लाइक अ मास्टर फिशर यू हेल्ड ऑन टाइट टिल द लास्ट सेकेंड एंड रिलीज इन विक्ट्री। मज़ा आ गया ब्रो, मज़ा आ गया, क्या कूद रहा है यार वो हलवा, सही है। चलो With 4 gym badges in your position, Pokemon up to level 40 will be easier to catch and listen. तब भी शायद से हम लोग उसको नहीं पकड़ पा रहे थे उस फ्लैमिंगो जैसे Pokemon को, क्योंकि अपने पास यार वो बैच नहीं था एंड उसका लेवल बहुत था।
मे बी प्राइमेप तुक्के से हमने पकड़ लिया, क्योंकि जब मैंने इसको पकड़ा था तब ये 35 लेवल का था। यू कम बैक टू सी मी अगेन नाउ, यू आर हियर। चलो भाई, सेटिस्फाइंग एपिसोड रहा, खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो जो कि आज शाम में आएगी यार, उसमें मैं अर्थ टाइटन को हराने का ट्राई करूंगा। ओह, कोई तो आया हमसे मिलने, शायद से अपनी नेमोना जान आई है, नेमोना चुआन उस आने दे। हुला Got you just as a finished up in here, huh? Nice work. That puts you 4 badge in now, right man? That's awesome. I can't believe you are halfway through your gym journey already. Your efforts are bearing so much fruit so quickly. हम लोगों ने यार देखा जाए तो आधा गेम कंप्लीट कर लिया है। ओके, आधा गेम कहना सही नहीं रहेगा, आधा जिम वाली स्टोरी कंप्लीट कर ली है, क्योंकि इसमें तीन स्टोरी है। पहले हम लोग अपने एनाइलेप को निकालते हैं यार, मुझे देखना कैसा कुत्ता पोकेमोन है, ब्रो देखना पड़ेगा। और सेव कर लेता हूँ भाई, आजकल मुझे अपने निंटेंडो का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये गेम बहुत लैगी है, तुम किसी भी क्रिएटर से पूछोगे यही बोलेगा। सच बोलूँ तो भाई, डैश जब ने जो मदद की ना इस जिम के अंदर, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब कैसे पॉसिबल है यार, उसने लेजिट फाड़ दी भाई अपोनेंट की, वो भी टेरेसलाइज पोकेमोन की। काफी बड़ा है यार ये तो एनालेप, देख रहे हो तुम लोग। चलो एक स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर अपन लोग। क्या पकौड़ा पोकेमोन है यार ये। सोए पड़ा हाथी कहीं का। ओए उठना। चलो भाई ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करो तुम्हें गेम प्ले पसंद आया होगा देखने में। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैंने जैसे कि बोला कि हम लोग अर्थ टाइटन को हराने वाला है, जिसके बाद हमारी मोस्ट प्रोबेबली फ्लाइंग एबिलिटी खुल जाएगी, वो भी हम लोग जल्दी एक्सप्लोर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करो तुम्हें गेम प्ले देखने में मजा आया होगा। पसंद आई होगी तो भाई लाइक मारना, चैनल को सब्सक्राइब फॉर मोर पोकेमोन वायलेट वीडियोस। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।